हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक अल्काज़ार देखने वाले हैं। ये हुंडई का लेटेस्ट रिलीज़ है। आज पहले एक वॉक थ्रू देखेंगे, उसके बाद इसका फीचर्स वगैरह सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। आज मेरे साथ सौरभ है, साइनी हुंडई न्यू अलीपुर कोलकाता से। गुड मॉर्निंग सर। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम लोग ये नया गाड़ी लॉन्च किया है अल्काज़ार, तो अब ये देख सकते हो ये फर्स्ट टाइम हुंडई 7 सीटर गाड़ी लाया है। ठीक है, तो बेटर होगा आप एक बार इसमें बैठ के देखिए, तो बिना बैठ के आप नहीं देख पाओगे। और ये बहुत ही अच्छा इंजन है, जैसे आपका पेट्रोल इंजन 2000 लीटर इंजन है और आपका डीजल इंजन आपका 1.5 लीटर इंजन है। ठीक है, तो आप एक बार बैठिए। तो सौरभ, अभी थोड़ा कुछ फीचर्स के बारे में बताइए। मैं आपको फीचर्स बोल दे रहा हूँ सर। ये सबसे पहले मैं आपका इधर से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ये आपका हम लोग का ऑटोमेटिक फोल्डेबल मिरर है। ठीक है, ये एक बटन प्रेस करने से आपका ऑटोमेटिक फोल्ड हो जाएगा और एक बटन प्रेस करने से आपका ऑटोमेटिक खोल जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपका लेफ्ट साइड के लिए ये आपका ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड मिरर है। देखिए, जैसे आपका उधर में मिरर आपका ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और ये आपका राइट में देने से आपका राइट आप देखिए एडजस्ट कर पा रहे हो आपको राइट में। उसके बाद देखिए, ये आपका सेंट्रल लॉकिंग है। ये सेंट्रल लॉकिंग आप इधर से प्रेस करने से पूरा ऑटोमेटिक 5 डोर आपका लॉक हो जा रहा है। ये आपका चारों पावर विंडो है, ये आपका रियर पावर विंडो है, ये नेचुरल सब गाड़ी में रहते हैं। ठीक है, ये आपका इसके बाद आपका देखिए इसमें आपका टिल्टेड स्टीयरिंग है। टिल्टेड स्टीयरिंग टिल्ट मतलब आपका अप डाउन होगा, टिल्टेड मतलब आपका अंदर बाहर होगा। ठीक है, टेलीस्कोपिक। हाँ, टेलीस्कोपिक। ठीक है, ये आपका हिसाब सब सेट कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपका जो स्टीयरिंग दिया है ना, ये आपका स्टीयरिंग पूरा लेदर है, लेदर में रैप। ठीक है, उसके बाद देखिए जैसे आपका ये वॉल्यूम, जैसे आप वॉल्यूम कंट्रोल कर पाओगे अप डाउन इधर से होगा। फिर इधर में आपका देखिए ये आपका चेंजेस हो जाएगा गाना इधर से, ये आपका मूड चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फोन रिसीवर है, इधर में वॉइस कमांड है, इधर में ये जो आपका सबसे फास्ट टाइम ये हुंडई आपका जो MID दिया है, ये आपका 10.25 इंच का MID है, ये फर्स्ट टाइम दिया है। ठीक है, ये दूसरा कोई गाड़ी में नहीं है। और उसके बाद इसमें इसका अंदर का सेटिंग, जैसे आपका कॉम्पास आ गया, ठीक है, अंदर का आपका ड्राइव टू डिस्प्ले आ गया। ठीक है, उसके बाद आप कितना किलोमीटर जा पाओगे उसका आपका डायरेक्शन आ गया, तो ये आप इधर से कर पाओगे। उसके बाद इधर में आपका आ जा रहा है क्रूज कंट्रोल। अच्छा, क्रूज कंट्रोल तो आपको पता ही है सर। उसके बाद आपका मान लीजिए जो सेटअप है, इसको ओके करने के लिए ये बटन है। ठीक है, फिर इसको आपका ये रीबैक करने के लिए ये वाला बटन है। अच्छा, और ये प्लस माइनस इधर में है। ठीक है, इसके बाद ये गाड़ी में आपका पैडल शिफ्टर दिया है। पैडल शिफ्टर आपको पता ही है सर, ये आपका ओवरटेक करने के लिए पैडल शिफ्टर लगता है। अच्छा अच्छा, मान लीजिए आप गाड़ी ऑटोमेटिक में ड्राइव कर रहे हो, हाँ, लेकिन आपको गाड़ी ओवरटेक करना है, हाँ, तब ये पैडल प्लस माइनस करके आप ओवरटेक कर सकते हो। स्पोर्ट्स कार की तरह, स्पोर्ट्स कार की तरह सर। उसका बाद सर देखिए, ये आपका 10.25 इंच का आपका डिस्प्ले दिया है। ये आपका डिस्प्ले में तीनों तरह का आपका व्यू आएगा। लेफ्ट साइड में आपका कॉम्पास आएगा, सेकेंड साइड में आपका FM AM जो ही आपको चलाना है वो आएगा, राइट साइड में आपका कॉम्पास आ जाएगा। और भी एक तरह का आपका ये पूरा आपका मैप, अगर आप ये मार दोगे तो पूरा ही आपका मैप आ जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा फीचर है। उसके बाद आप अगर मीडिया देना चाह रहे हो तो मीडिया आ जाएगा, रेडियो देना चाह रहे हो तो आप रेडियो आ जाएगा साइड में। अच्छा, आप इधर से पैक चेंज कर पाओगे सर। अच्छा ठीक है, उसके बाद इधर में आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC दिया है सर। ये आप ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC आपका तरफ से आप सेट कर दोगे तो ऑटोमेटिक, मान लीजिए जैसे आपका 22 में आपको सेट किया, 22 डिग्री आपका टेम्परेचर चेंज होगा, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये आपका AC का वेंट है, ये एकदम लेफ्ट साइड देने से बंद हो जाएगा और राइट साइड देने से आपका ऑन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर में ब्लू लिंक फीचर्स दिया है। ब्लू लिंक फीचर्स हुंडई का ही ये आपका ये गाड़ी में दिया है। ब्लू लिंक फीचर्स टाइप ऑफ पूरा इंटरनेट कार है, गाड़ी पूरा ट्रैक कर पाओगे गाड़ी को। जैसे आपका मान लीजिए आपका गाड़ी घर में है, मान लीजिए आपका गाड़ी कहीं पे जा रहा है, अगर स्टार्ट हुआ तो आपका पास नोटिफिकेशन आ जाएगा सबसे पहले। उसके बाद मान लीजिए गाड़ी आप ब्लू लिंक ऐप में गाड़ी का जो स्पीड है, स्पीड लिमिट मान लीजिए आप 60 में सेट कर दिए हैं, उसके ऊपर अगर कोई गाड़ी चलाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप घर में ही बैठ के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो, बंद कर सकते हो। घर में बैठ के गाड़ी स्टार्ट करने का बाद आप AC का जो टेम्परेचर है, हाँ, वो भी आप सेट कर सकते हो AC का टेम्परेचर।
उसका बाद सर आप गाड़ी में टोटल ये जो ब्लूलिंक ऐप है टोटल 55 फीचर्स है इसमें। अच्छा, ये आप 55 फीचर्स इसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका मान लीजिए ये आपका इमरजेंसी है ब्लूलिंक, ये बटन प्रेस करने से आपका इधर में कॉल आएगा सर्वर से डायरेक्ट, आपको पूछा जाएगा कि सर आपका कोई प्रॉब्लम है, तब बोल सकते हो कि हाँ मेरा कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तब को बोल देगा ये है इमरजेंसी, ये बटन प्रेस करने से मान लीजिएगा आपका कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रहा है या गाड़ी बंद हो गया, तो ये बटन प्रेस करने से क्या होगा आपका उधर से फ़ोन आएगा हुंडई सर्वर से। फ़ोन आने के बाद आपको पूछा जाएगा कि आप सर क्या सर्विस लेना चाहते हो, अगर आप बोल दीजिएगा तो वो लोग ही आपका ये आपको उधर से भेज देगा, आपका गाड़ी टो करके ले जाएगा। आप मान लीजिए ये जो SOS बटन है, मान लीजिए सर आप कहीं पे गाड़ी आपका बंद हो गया या कुछ हुआ, तब ये बटन प्रेस करने से आपका डायरेक्ट हुंडई का जो सर्वर है आपको इधर में कॉल आएगा बाकायदा। तो कॉल आने से क्या होगा, अब इसको रिसीव कर कीजिएगा, रिसीव करने के बाद आपको पूछा जाएगा कि सर क्या प्रॉब्लम है आपका, तो आप अगर बोलिएगा आपका प्रॉब्लम तो इधर से आपका आपको टोइंग सर्विस मिलेगा, नॉर्मल बात है टोइंग सर्विस आपको मिल जाएगा। उसका बाद आपका ये जो आप जो गियर जो नॉब देख रहे हो ना सर, ये पूरा लेदर नॉब है, देखिए। अच्छा, ये गियर है, ये आपका लेदर नॉब है, इधर में फर्स्ट टाइम इधर में आपका वेंटिलेटेड सीट दिया है। अच्छा, ये आपका वेंटिलेटेड सीट देखिए, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ये वेंटिलेटेड सीट है। अब ये वेंटिलेटेड सीट इधर से ऑपरेटिंग कर पाओगे सर आप। अच्छा, जो फैन स्पीड है इधर से आप ऑपरेटिंग कर पाओगे, ये लेफ्ट साइड के लिए है, ये आपका राइट साइड के लिए है। उसका बाद इधर में व्यू बटन दिया है, ये व्यू बटन देने से आपका पीछे का पूरा व्यू इधर में आ जाएगा। अच्छा, ये आ नहीं रहा इसलिए क्योंकि इसको सेट करना पड़ता है। अच्छा, उसका बाद ये आपका ऑटो होल्ड है, मान लीजिए आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, गाड़ी इस बटन प्रेस करने से गाड़ी ऑटो होल्ड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर रेस देने से गाड़ी ऑटोमेटिक जाएगा। ये पार्किंग है, पार्किंग ऑटोमेटिक है, ये आपका ड्राइविंग ये है आपका, ये देखिए सर इधर में मान लीजिए स्पोर्ट्स मूड आता है, इको मूड आता है, कम्फर्ट मूड आता है, ये आपका ड्राइविंग मूड है। और एक बार दिखाइए मोड, ये जो ड्राइविंग मोड है ये देखिए, अगर इधर में हम प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंफर्ट मोड, इको मोड, स्पोर्ट्स मोड। अच्छा, ठीक है, ये आपका मोड चेंज होगा। अच्छा, ठीक है, तो आप आपका हिसाब सब चला पाओगे। मान लीजिए आपको कंफर्ट मोड में चलाना है तो गाड़ी नॉर्मल पिकअप में चलेगा, इको मोड में चलाना है तो गाड़ी थोड़ा बेटर चलेगा, अगर स्पोर्ट्स मोड में चलाना है तो गाड़ी बहुत जोर भागेगा क्योंकि ये आपका 2000 लीटर इंजन है। ठीक है सर, और उसका बाद देखिए सबसे इसका जो हाईलाइटेड फीचर्स है, जैसे आपका सनग्लास होल्डर हो गया, ये आपका पूरा पैरानामिक मून सनरूफ दिया है देखिए। अच्छा, पूरा सनरूफ आपका खोल जाएगा। अच्छा, ठीक है, उसका बाद ये वाला बटन भी आपका जलने से पूरा सनरूफ ही खोल जाएगा। अरे पूरा ओपन हो जाएगा, अगर आप मान लीजिए इसको खाली नॉर्मल डालना है तो आप ये बंद कर सकते हो। अच्छा, मतलब पूरा ऑटोमेटिक है, पूरा ऑटोमेटिक गाड़ी है। हाँ, उसका बाद इधर में मान लीजिए आप रियर पार्किंग दिए है तो पूरा आपका पीछे का व्यू आया है। और ये आपका 360 डिग्री व्यू। अच्छा, ये वाला देखिए, ये फर्स्ट टाइम हुंडई दिया है 360 व्यू। फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर है, बैक में भी पार्किंग सेंसर है। उसका बाद मान लीजिए आप गाड़ी को लेफ्ट साइड ऐसा इंडिकेटर दिए हो तो आपका मिरर में आपका कैमरा लगा हुआ है। अच्छा, आपका इधर में लेफ्ट साइड का व्यू आ जाएगा, गाड़ी अभी स्टार्ट नहीं है इसलिए नहीं आ रहा इधर। अच्छा, राइट साइड में देने से राइट साइड का व्यू आ जाएगा इधर। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हुंडई दिया है। अच्छा सर, उसका बाद देखिए ये गाड़ी में आपका जैसे पीछे में रियर एसी वेंट है, पीछे में आपका रियर एसी वेंट है, उसका नीचे में सॉकेट है। उसका बाद ये आपका फर्स्ट टाइम डिजिटलाइज्ड आपका ARPV5 दिया है सर इधर में। उसका बाद आपका पीछे में वायरलेस चार्जर है। अच्छा, देखिए फर्स्ट टाइम दिया है। उसके बाद एकदम पीछे में जो 7-सीटर का जो सीट है उधर में भी आपका पीछे में वेंट दिया है। अच्छा, एसी का वेंट, अगर पीछे का कोई अगर आदमी बैठेगा कि उसका तकलीफ ना हो इसलिए आपका वेंट भी दिया है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है बहुत जो गर्मी पड़ता है तो सामने का हवा पीछे नहीं जाता है। करेक्ट, तो इसलिए आपका पीछे में वेंट दिया है सर। अच्छा, ठीक है, आप देखिए आप इधर में क्या हो रहा है, आपका बोस का स्पीकर दे रहे हैं, ये आपका बोस का स्पीकर आप इधर में मिल रहा है आपका। इसका बाद ये आपका देखिए इधर में कांच के इधर में विंडो में आपका लेयर दे दे रहा है। अच्छा, ये आपका क्या होगा बाहर, जैसे आपका फिल्मिंग लगाता है ना, फिल्मिंग लगाने का दरकार नहीं है, आपका बाहर का जो हीट है वो हीट आपका अंदर में नहीं आएगा। अच्छा,
और ये आपका मोटर व्हीकल्स अप्रूव्ड है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आपको पुलिस पकड़ेगा। अच्छा ठीक है। उसका बाद देखिए स्पोर्टी लुक्स दिया है, इसका जो हैंडल है ना डोर हैंडल, ये भी आपका स्पोर्टी लुक्स दिया है। और ये आपका ब्राउन एंड ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन है, इसमें इंटीरियर का भी जो कलरफुल है वो भी आपको अच्छा लग रहा है, मैचिंग है। उसका बाद देखिए इधर इधर में आपका जो आपका ये हेडरेस्ट दिया है ना इधर में, वो भी आपका कुशन पिलो दिया है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है जो कस्टमर बैठेंगे उसका भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद देखिए ये सीट आपका पूरा मोल्ड हो जाएगा। ये पूरा आपका हो जाएगा पूरा मोल्ड। ये पीछे बैठ पाओगे सर। ठीक है। और सामने वो क्या ट्रे है क्या ये? हाँ ये सर देखिए, ये देखिए सर, इधर में कुछ रख के खा पाओगे सर। अच्छा, बैठ के अगर कुछ लंच करना है इसके लिए दिया, ये चाय पीना है। ठीक है ठीक है, यह बात।